आज का लाइव बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं कंचन राय लेकर आई हमारा विशेष प्रोग्राम। इंदौर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने सोमवार को नामांकन वापस ले लिया। अक्षय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा भी ज्वाइन कर ली। सूत्रों के अनुसार मंत्री विजयवर्गीय ने हाईकमान को भरोसे में लेकर एक होटल में इसकी प्लानिंग की। हम बात कर रहे हैं इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के भाजपा में ज्वाइन करने के बारे में। अक्षय ने नाम वापसी पर अनहोनी की आशंका जताई, कहा कांग्रेसी बवाल कर देंगे। इसके बाद प्लान में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला की भी एंट्री कराई गई। अक्षय को फॉर्म वापस लेने भी मेंदोला के साथ भेजा। विजयवर्गीय खुद बाहर डटे रहे। फिलहाल अक्षय कांति बम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस नेताओं का विश्वास मोदी जी और बीजेपी पर है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के भाजपा में ज्वाइन करने के बारे में। शिवराज सिंह चौहान ने और आगे क्या कहा, कांग्रेस उम्मीदवार का भरोसा अब उनकी पार्टी में नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार अब पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा अक्षय कांति बम पर 3 दिन पहले एक पुराने मामले में 307 की धारा बढ़ाई गई, डराया गया, धमकाया गया, रात भर यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, आज उनको साथ ले जाकर फॉर्म वापस निकलवा लिया गया। तो ये था हमारा आज का खास बुलेटिन। अगले बुलेटिन में मैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।